प्रियंका राठौड़ी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग एंड डेमो ऑफ माय ब्रांड न्यू बॉश टंबल ड्रायर। ये टंबल ड्रायर अभी हमने कुछ ही दिन पहले अमेजोन से परचेज किया है और मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी फंक्शनिंग, इसके बहुत सारे डिटेल्स इंक्लूडिंग इसकी प्राइस, इसके डायमेंशंस, कैपेसिटी, ये कैसे काम करता है और इसको कैसे मेंटेन करना चाहिए, इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना चाहिए और इसमें कपड़े ड्राई करने के लिए कैसे डालने चाहिए। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि कपड़े ड्राई करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस बॉश टंबल ड्रायर के साथ कैसा रहा, जिससे कि आप अगर इसको परचेज करने के बारे में प्लान करें तो आपको अपना डिसीजन लेने में आसानी हो। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं बॉश टंबल ड्रायर की अनबॉक्सिंग एंड डेमो। तो ये वो बॉक्स है, वो कंटेनर है जिसमें कि ड्रायर पैक होकर आया है। ये इसका फ्रंट है और इसके साइड में एक पेपर स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर इसके सारे डिटेल्स इंक्लूडिंग प्रोडक्ट का नाम, मॉडल नंबर, डायमेंशंस, इसका वेट, MRP, इसकी क्वांटिटी, एवरी डिटेल इज देयर ऑन दिस स्टिकर। चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको खोलने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने इसे अपसाइड डाउन प्लेस कर दिया है, तो चलिए इसको सीधा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत लाइट है और वाइब्रेट करेगा, ये रीज़नेबली इतना ही वेट में है कि हम इसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अगर इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। इसके जो दोनों साइड्स आप देखेंगे इस पर इस तरह का एक स्पाइरल डिज़ाइन बना हुआ है और इसका पर्पस है कि ये जो है इसका वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। इससे जब ये रखा रहता है और काम करता है तो ये वाइब्रेट नहीं करता। बैक साइड, इसके बैक साइड में टॉप पर इसका पावर कॉर्ड लगा हुआ है और पीछे आप देखेंगे कि इस तरह का एक सपोर्ट है। यहाँ पर भी इसका मॉडल नंबर एंड अदर डिटेल्स मेंशन्ड है। ये जो फोम का सपोर्ट है ये इसके नॉइज़ को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है और इसको पास में इसके साथ ही इसका जो कॉर्ड है ये काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी और ये इसका पावर कॉर्ड है इसमें, तो इसको आप कहीं पर भी प्लग इन कर सकते हैं। इसके साथ आप देखेंगे तो नीचे ये एक आउटफ्लो पाइप के लिए एक अटैचमेंट दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसमें जो आउटड्रेन पाइप है वो भी अटैच कर सकते हैं जिसमें कि इसका जो पानी है वो इकट्ठा होकर निकल जाएगा। इस तरह की आवाज़ के साथ इसका ये जो डोर है, ड्रायर डोर, वो ओपन हो जाता है। इसमें इस तरह से एक लूप बना हुआ है इसे खोलने के लिए और ये बहुत ही अच्छी शेप में है। इसका अगर हम सामने देखेंगे तो इसको कहते हैं इसका फ्लफ फिल्टर। ये जो फिल्टर है इसमें जो कपड़ों का जब वो ड्राई होते हैं तो जो भी लेंट और फ्लफ होता है वो इकट्ठा हो जाता है, ये इस तरह से खुलता है और फिर इसमें से आप इसका सारा जो फ्लफ है वो निकाल कर बड़ी आसानी से इसे क्लीन कर सकते हैं। ज़्यादा गंदा है तो आप टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं और वॉश बेसिन के नीचे इसे आराम से क्लीन करके वापस इसे फिक्स कर दीजिए। तो आप ध्यान रखिए कि आपको ये जो लिंट फिल्टर है, फ्लफ फिल्टर है, ये हर वॉश के बाद क्लीन करना ही है। उसके बाद अंदर देखेंगे तो इसके साथ आई है इसकी जो एक बुकलेट है जिसमें इसके डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, सारी डिटेल्स इसमें बताए गए हैं। इसका मॉडल नंबर यहाँ पर मेंशन्ड है और इसके अंदर इसके सारे जो इंस्टॉलेशन डिटेल्स, इसके जो कॉशन डिटेल्स हैं वो सारे हैं और ये इसकी सर्विस बुकलेट है। इसके थ्रू आप AMC भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो इनको मैं संभाल कर रख दूंगी और ये जैसा कि मैंने आपको बताया था ये है इसका आउटफ्लो पाइप। आप चाहें तो इसे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे कनेक्ट कर सकते हैं और ड्रेन पाइप में इसको लगा सकते हैं जिससे कि जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कंडेंसेशन जो इसका बॉक्स है उसके थ्रू भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका स्टेनलेस स्टील का ड्रम है जो काफ़ी अच्छा साइज़ का है, बहुत बड़ा है और इसमें बहुत ही अच्छी शेप है इसकी। इसके इस तरह से इसमें नीचे और ऊपर फिन्स लगे हुए हैं। पीछे ये जो आप होल्स देख रहे हैं इसी से सारी स्टीम और हीट अंदर आती है जिससे कि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है और ये जो फिन्स हैं ये हेल्प करते हैं इसकी जो क्रीज है कपड़ों की उनको रिड्यूस करने में। तो इस तरह के फिन्स एक नीचे और एक ऊपर भी है।
अब हम इसे बंद कर देंगे और अब हम देखते हैं इसके बाकी डिटेल्स। ऊपर अगर हम जाएंगे तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे है इसका कंडेंसेट बॉक्स। ये जो बॉक्स है इसी में एक्चुअली जो कपड़ों का पानी है वो इकट्ठा होता है, अगर आपने आउटफ्लो पाइप नहीं लगाया है तो। अगर आपने ड्रेन पाइप लगा रखा है तो उसी से पानी बाहर निकल जाएगा, वरना इसमें हर वॉश के बाद आपको इसको खाली करना होगा जिसमें कि उसका पानी इकट्ठा होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। ये इसका कंट्रोल पैनल है, ये मैं आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। और ये है इसका एलईडी डिस्प्ले पैनल जिसमें कि इसके स्टार्ट एंड पॉज बटन्स हैं और भी कई सारे बटन्स हैं जिससे आप अलग अलग तरह की सेटिंग्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राइंग लेवल, ड्राइंग टाइम, रेडी इन, चाइल्ड लॉक, एंटी क्रीज, जेंटल ड्राई एंड स्टार्ट एंड पॉज बटन्स हैं, इनके बारे में और डिटेल में मैं आगे बताऊंगी। ये जो है ये इसको कहते हैं हीट एक्सचेंजर फिल्टर, ये इस तरह से बड़ी आसानी से ओपन हो जाता है। यहाँ पर इसके ये इस तरह के दो लॉक हैं, इसको एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज नीचे डाउन करेंगे और बड़ी इसको आसानी से पुल आउट करके निकाल लेंगे। ये भी कई बार गंदा हो जाता है तो इसको 2 से 3 हफ्ते में आप एक बार क्लीन कर सकते हैं, और उसी वक्त आप ये हीट एक्सचेंजर फिल्टर जो है इसको भी क्लीन कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से पुल आउट करके बाहर निकाल लेंगे और इसे भी हम सिंक या वॉश बेसिन के नीचे बड़ी आसानी से क्लीन कर सकते हैं। पानी को सब तरफ से आप इस जाने दीजिए टैप वाटर और ये क्लीन हो जाएगा। फिर इसे एक कपड़े से पोंछकर वापस लगा दीजिए। इसके यहाँ पर अंदर की तरफ कई बार गंदगी इकट्ठी हो जाती है तो उसे आप 2 या 3 हफ्ते में एक बार जरूर क्लीन कर लें। इसको इस तरह से वापस इजीली आप फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको पुश इन कर देंगे, ये अंदर चला जाएगा, फिर हम वापस इसका जो कवर है वो लगा देंगे और इसके दोनों लॉक्स को वापस लॉक कर देंगे एंड दिस इज डन। इसके पास आप ये जो देख रहे हैं ये इसका एयर इनलेट सोर्स है। ये एक सीरीज 4 मॉडल है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 7 kgs है और ये ऑटो ड्राई मॉडल है। चलिए अब हम इसका प्रोग्राम्स एंड बटन्स देखते हैं। तो ये जो इसका ऑफ पॉइंट है इससे आप इसको किसी भी तरफ राइट या लेफ्ट मूव कर सकते हैं एज पर योर नीड। जो राइट साइड पे टॉप 3 ऑप्शंस हैं कॉटन, वो कॉटन के कपड़ों के लिए हैं, कवर ड्राई प्लस, कवर ड्राई एंड आयरन ड्राई। आप कपड़ों का जो थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो स्पोर्ट्स वेयर प्रोग्राम ले सकते हैं स्पोर्ट्स वेयर के लिए। एलर्जी प्लस है हाई वेयरिंग टॉल्स वगैरह के लिए, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो मिक्स लोड है नेक्स्ट, ये सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है, इसमें हम फैब्रिक चाहे सिंथेटिक हो या कॉटन हो जनरली वही यूज़ करेंगे, तो मिक्स लोड ही जनरली यूज़ होता है जो 58 मिनट्स का होता है। उसके बाद आते हैं हम लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर सिंथेटिक कपड़ों के लिए कवर ड्राई प्लस एंड आयरन ड्राई हैं। उसके बाद शर्ट्स को आप 15 मिनट्स में कर सकते हैं, आप कोई क्विक ड्राई करना चाहें तो 40 मिनट्स का प्रोग्राम ले सकते हैं। और वूलन के लिए वूल फिनिश है और सिल्क या डेलिकेट कपड़ों के लिए डेलिकेट वाला ऑप्शन या प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद भी ये जो डिस्प्ले पैनल है इसमें भी कुछ एडिशनल बटन्स दिए हुए हैं, ड्राइंग लेवल, ड्राइंग टाइम, रेडी इन, एंटी क्रीज ऑप्शन भी है यहाँ पर एंड जेंटल ड्राई। तो उसके एडिशनल भी अगर आप चाहें तो इनमें से भी कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको इंस्टॉल करना कैसे है। ये एक फ्री इंस्टॉलेशन अप्लायंस है तो आपको बस एक पावर पॉइंट की ज़रूरत है, आप उस जगह पर इसको ले जाइए और आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आउटड्रेन पाइप नहीं लगाया है, मैं कंडेंसेट जो बॉक्स है उसी को खाली करूँगी हर बार, तो इसलिए मुझे आउटफ्लो की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली प्लग इन करके और ये इंस्टॉल हो जाता है। चलिए अब हम इसका डेमो देखते हैं। तो मैं अपनी वॉशिंग मशीन में से सारे कपड़े निकाल लेती हूँ। इसमें मेरे पास कुछ टाल भी हैं, वुलन्स भी हैं, कॉटन भी है, तो ये एक तरह से ये एक मिक्स लोड है। और ये जो मेरी वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी है वो 6 kg है और ड्रायर 7 kg कैपेसिटी का है, तो जो कंप्लीट लोड है मेरी एक बार का वॉशिंग मशीन का वो आराम से ड्रायर में आ जाएगा। तो अब मैं ड्रायर को ओपन करूंगी और इसमें मैं सारी जो कपड़े अभी मैंने निकाले हैं जिसमें कि एक कॉटन का मोटा वाला मैट भी है वो सब मैं इसमें डाल दूंगी। कपड़े डालने के बाद अब हम इसे लॉक कर देंगे और उसके बाद मैं इसे ऑन कर दूंगी। पीछे से मैंने पावर प्लग ऑन करने के बाद अब हम अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। मैंने मिक्स लोड सिलेक्ट किया है जो 58 मिनट्स का है। इस तरह से आप इसका ड्राइंग लेवल भी बाद में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कपड़े अभी भी थोड़े गीले हैं तो आप ड्राइंग लेवल बढ़ा के फिर से इसको रन कर सकते हैं। ड्राइंग टाइम अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग लेवल बढ़ जाएगा। तो अभी मैंने मिक्स लोड लगाया है 58 मिनट का साइकिल और अब मैं इसे स्टार्ट कर दूंगी और देखिए ये स्टार्ट हो गया है।
मैं आपको सुनाना चाहती थी कि इसी तरह का साउंड ये प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग दी एंटायर साइकिल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी इसमें 30 मिनट्स का साइकिल बचा हुआ है, लेकिन मैंने जब ऑलमोस्ट 25 मिनट्स के बाद आकर देखा है तो अभी भी 16 मिनट्स दिखा रहा है। इसका मतलब अभी ये कपड़े जो है इसके अंदर वो पूरी तरह से ड्राई नहीं हुए हैं, इसलिए साइकिल ने इसकी ड्यूओट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की वजह से टाइम को इंक्रीज़ कर दिया है जब तक कि ये राइट पॉइंट पर आकर कपड़े ड्राई नहीं हो जाते। तो लगभग 1.25 घंटे बाद ये जो ड्राइंग साइकिल है ये कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम खोल के देखते हैं कि इसके कपड़े अच्छे से ड्राई हुए या नहीं। तो इस तरह का साउंड आता है जब हम डोर को अनलॉक करते हैं, और ये देखिए कितने सॉफ्ट एंड फ्लफी एंड शाइनिंग कपड़े इसमें से निकल रहे हैं। एंड बिलीव मी, कपड़े बहुत अच्छे से 100% ड्राई हैं। यहाँ तक कि ये जो कॉटन का थिक मैट है ये भी अच्छे से ड्राई हो गया है। शायद इसी की वजह से टाल भी है इस पर, इसलिए इस साइकिल ने ज़्यादा टाइम लिया ड्राई होने में। अब हम देखते हैं कि हमें इसे मेंटेन कैसे रखना है। मेंटेन रखने के लिए आपको हर साइकिल के बाद ये जो कंडेंसेशन बॉक्स है इसको बाहर निकालना है इस तरह से, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो कपड़ों का पानी था वो इकट्ठा हो जाता है, जिसे हमें हर बार हर साइकिल के बाद ड्रेन आउट करना है। अगर ये पानी आप नहीं निकालेंगे तो इसमें पानी की स्मेल आ जाएगी, जो कि आपकी नेक्स्ट साइकिल या उससे नेक्स्ट साइकिल के कपड़ों में भी उस तरह की स्मेल आ सकती है। इसलिए इसको खाली करना कभी ना भूलें, और इसको इस तरह से खाली करके वापस बड़ी ही आसानी से आप फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारा फ्लफ फिल्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कपड़ों का फ्लफ और लिंट इसमें इकट्ठा हो जाता है, तो इसे भी हर साइकिल के बाद क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसे बहुत आसानी से टॉप पर से आप इस तरह से अनलॉक करेंगे और देखिए सारा लिंट इसमें इकट्ठा हो गया है। ये बहुत ही ईजिली निकल जाता है। अगर हाथ से नहीं निकल रहा है तो आप टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हैं इसे क्लीन करने के लिए। तो ये सारा लिंट इकट्ठा करके हम डस्टबिन में डाल देंगे, और फिर उसके बाद हम इस फिल्टर को टैप वाटर में अच्छे से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद इसे वाइप करके वापस हम फिक्स कर देंगे, और हमारा ड्रायर रेडी है अपने नेक्स्ट लोड के लिए। इसका जो मैंने आपको नीचे फिल्टर बताया था उसको आपको दो वीक में या तीन वीक में एक बार साफ़ करना है जो नीचे है। देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये कपड़े मैंने अपने बेड पे डाले हैं, इसका मतलब ये एकदम ड्राई हैं और ये रेडी हैं कबर्ड में जाने के लिए। तो इसको आप फोल्ड करके ईजिली कबर्ड में इमीजिएटली रख सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस बॉश टॉवल ड्रायर का रिव्यू। तो अभी तक मैं इसमें कम से कम 5 से 6 बार कपड़े ड्राई कर चुकी हूँ, और मैं इसके रिजल्ट से बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसमें से जब हम कपड़ा निकालते हैं तो वो एकदम फ्लफी सॉफ्ट एंड वॉर्म निकलता है, जिसको आप चाहें तो इमीडिएटली यूज भी कर सकते हैं या फिर फोल्ड करके कवर में भी रख सकते हैं। अब मैं आपके साथ इसके कुछ वो बेनिफिट शेयर करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं पिछले कुछ दिनों में। क्योंकि अभी वेदर बहुत चेंज हो रहा है, कभी बारिश होने लगती है, कभी बहुत ठंडा है, तो आपने देखा होगा जनरली मानसून में या विंटर्स में हमारे कपड़े पूरे घर में अंदर फैले रहते हैं सूखने के लिए। हम भले ही वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं आजकल ज़्यादातर, लेकिन फिर भी उसमें कपड़े पूरी तरह से तो ड्राई होते नहीं है, तो हमें उसको हवा तो देनी ही पड़ती है। उसके लिए हम उसे टैंक पे, रेलिंग पे, चेयर टेबल सब जगह स्प्रेड कर देते हैं जिससे वो जल्दी सूख जाए। पंखा ऑन कर देते हैं, और कई कई बार पंखा पूरे दिन या पूरी रात चलाना पड़ता है तब जाके कपड़े सूख पाते हैं। लेकिन इस टंबल ड्रायर की हेल्प से मुझे लगता है कि वो हेडेक बिल्कुल खत्म हो गया है। अब आपको घर में कपड़े फैले हुए नहीं दिखेंगे। आप वॉशिंग मशीन से निकाल कर, या अगर आपने हाथ से भी कपड़े धोए हैं वो निकाल कर आप उसमें डाल दीजिए। जो भी आपका लोड है, अगर वुलन है तो वुलन वाला लोड लगाइए, अगर मिक्स कपड़े हैं तो मिक्स वाला लगाइए, सिंथेटिक है तो सिंथेटिक लोड यूज कर सकते हैं, और अगर सिर्फ कॉटन के कपड़े हैं या सिर्फ शर्ट्स हैं तो आप उस तरह का इसमें ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और बिलीव मी, आपके कपड़े एकदम ही 100% ड्राई होकर निकलेंगे और बहुत ही वार्म होंगे, और आप इमीजिएटली उन्हें यूज कर सकते हैं। अब चलिए सेकेंड बेनिफिट देखते हैं। जब सन बाहर भी होता है और हम कपड़े धूप में सुखाते हैं तो कपड़े कई बार ओवर ड्राई हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि कई बार आपने देखा होगा कि जब आप कपड़े उठाते हैं बाद में सूखने के बाद तो वो स्टिफ होते हैं, कड़क हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओवर ड्राई हो चुके होते हैं सन रेज से, और कई बार कपड़ों का रंग भी फेड हो जाता है। जैसे मेरी दादी जब अपनी साड़ियाँ सुखाती थी तो वो हमेशा छाँव में सुखाती थी, क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि साड़ियों का रंग खराब हो जाता है अगर उसको डायरेक्ट सनलाइट में डालें। तो
तो वो जो प्रॉब्लम है वो इस ड्रायर से बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसमें कपड़े ना तो ओवर ड्राई होते हैं ना ही अंडर ड्राई होते हैं, बिल्कुल परफेक्टली ड्राई होके निकलते हैं, जिसको आपको कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेस करने की भी जरूरत नहीं होती अंटिल अनलेस वो कॉटन के कपड़े हो। इसी से जुड़ा हुआ है तीसरा बेनिफिट कि क्योंकि कपड़े ओवर ड्राई नहीं होते, क्योंकि उनका जो लिंट और फ्लफ है वो जो लिंट फिल्टर है वो निकाल देता है, तो आपकी जो कपड़े की लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है और जो फैब्रिक है वो ज़्यादा सस्टेन करता है अच्छे से। जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कि इसमें आप अपने पिलोज को बहुत अच्छे से ड्राई कर सकते हैं। जो फाइबर वाले पिलोज होते हैं, रुई वाले नहीं, क्योंकि रुई पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसे वॉश करना भी बहुत आसान नहीं होता, लेकिन आजकल हम सभी लोग फाइबर वाले पिलोज यूज़ करते हैं, तो उनको आप जब वॉश करते हैं उसके बाद आप सीधे ड्रायर में डाल दीजिए और फिर आपके पिलोज दिखेंगे एकदम सॉफ्ट एंड फ्लफी। इसमें आप अपनी लाइट जो क्विल्ट्स होते हैं, जो एसी डोवर्स होती हैं या हल्के वाले जो कंबल होते हैं, उनको भी आप अच्छे से इसमें ड्राई कर सकते हैं। टॉवल्स इसमें बहुत अच्छे से ड्राई होकर निकलती हैं। चलिए अब जब हम ड्राइंग की बात कर रहे हैं तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी कि इसकी जो ड्यूट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, जिसका मतलब है कि इसमें मॉइस्चर सेंसर्स एंड टेम्परेचर सेंसर्स हैं। तो मान लीजिए मैंने एक मिक्स लोड में इसमें कपड़े लगाए, सारे कपड़ों में दो तीन कपड़े ऐसे हैं जो ड्राई होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं और मिक्स लोड का जो टाइमिंग है वो है 58 मिनट्स। तो अगर हमारे जो कपड़े हैं उसमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो अभी तक ठीक से ड्राई नहीं हुए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली मशीन जो है सेंसर होने की वजह से टाइम को इंक्रीज कर देती है और आपके कपड़े फिर जो बेस्ट ड्राइंग पॉइंट है वहां तक ड्राई होंगे और तब ये बंद होगी। तो आप अपनी वॉच से इसकी टाइमिंग को मैच नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आपने कुछ कपड़े ऐसे आपने जब मिक्स लोड डाला और उसमें कुछ मैक्सिमम कपड़े सिंथेटिक हैं जो जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन मिक्स लोड की टाइमिंग 58 मिनट्स है, तो ये ऑटोमेटिकली अगर कपड़े सूख गए हैं राइट तरीके से तो ऑटोमेटिकली ये साइकिल जल्दी एंड हो जाएगी। तो ये मुझे इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगी। तो ओवरऑल अभी तक का पिछले एक हफ्ते का जो मेरा एक्सपीरियंस है ड्रायर के साथ वो बहुत ही अमेजिंग है। मैं इसको बिल्कुल थम्स अप देती हूँ। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं या अभी सिर्फ सोच रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। आपके कोई भी सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई एक्सपीरियंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से सारे जवाब देने की और अगर आपका पर्सनल कोई एक्सपीरियंस है तो वो जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि हम सबको भी नॉलेज मिले और हम एक दूसरे से सीखते रहे। जल्दी फिर मिलेंगे। सी यू सून। बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।